नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियान न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। मुस्लिम समाज ने शबे कदर की नमाज अदा की। बता दें कि मुस्लिम माह रमजान का आखिरी असरा चल रहा है, जिसमें मुस्लिम धर्मावलंबियों ने रात भर अल्लाह की इबादत की एवं देश में अमन एवं शांति के लिए दुआ मांगी। माना जाता है कि रमजान का ये आखिरी माह फिरत की रात होती है, इसलिए पूरी रात अल्लाह की इबादत की जाती है। ये एक रात हजारों रातों से अफजल होती है। इसी के साथ सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों ने रमजान की नमाज के साथ साथ रोजा खोला। उमरिया जिले के रहवासी अपनी मजदूरी ना मिलने को लेकर खासे परेशान हैं। इसके साथ ही वह कई बार जिला कलेक्टर से भी मिल चुके हैं, लेकिन उनकी परेशानियां एक ही खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इन मजदूरों का आरोप है कि दिसंबर जनवरी में इन लोगों से वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कराए गए थे, जिसमें करीब 52 मजदूरों ने काम किया था। वहीं इन मजदूरों को मेहनताना करीब 6 लाख रुपए बनता था, जिनमें से केवल अभी इन्हें 2 लाख रुपए ही मिल पाए हैं। शेष बाकी बचा 4 लाख रुपए इन्हें कब मिलेगा, ये कोई नहीं बता पा रहा। वहीं लगातार 6 महीनों से ये लोग परेशान हैं कि इन्हें पैसा कब तक मिल पाएगा। वन अधिकारी इन लोगों से फ़ोन पर ठीक से बात तक नहीं करते। वहीं उमरिया से गुना आने जाने में बार बार इनका पैसा खर्च होता है। ये लोग इतने परेशान हो चुके हैं जिसकी बानगी इनको देखने में ही समझ आ जाती है। वन्य अधिकारियों का कहना है कि अभी इनके पास फंड नहीं आया है, जब फंड आएगा तब इनको पैसों का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि वन अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी वेतन विसंगति मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या उन लोगों ने इन गरीब मजदूरों के बारे में कभी सोचा कि इनका घर तो केवल मजदूरी पर ही चलता है, इनसे इतना काम क्यों लिया गया जब शासन के पास इनको देने के लिए पैसा नहीं था। वहीं इन गरीब मजदूरों का क्या कसूर है जो अपना गाँव छोड़कर इतनी दूर काम करने के लिए आते हैं और काम करने के बाद पैसा तक नहीं मिलता। काय का पेमेंट आपका बाकी है? वृक्षारोपण के गड्ढे का सर, कलेक्टर साहब शिकायत भी की थी। हाँ। फिर शिकायत करने में सरों ने मतलब हिसाब किताब करने में करने के लिए रेडी हो गए। खर्चा पानी मिला के टोटल मतलब हमारा होता है पैसा 6,79,280 रुपये होते हैं, जिसमें से हमें खर्चे मिल गए हैं। हमारा पेमेंट बाकी बचा था 4,09,336 रुपये, उनमें से बोले थे 1,76,000 डी ओफो साहब देंगे, 2,33,336 रुपये खाते में डल गए हैं, जिनमें से 8 खाते दिए गए थे, जिनमें से 3 खाते में आया है 2,33,000 रुपये में से, बाकी 5 खातों में नहीं आया वो वाला पैसा तो वो, और 1,76,000 डी ओफो साहब देने के लिए बोले हैं वो। तो अभी क्या कह रहे हैं ये लोग? ये बोले हैं कि बैंक में कलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 10 तारीख का डाला हुआ पैसा है। अच्छा, तो कौन सी उस पर है आपका कर्ज? तो आप किससे लेनदार हैं?
मतलब 2,33,000 रुपए में से 87,000 पंचम परिहार डाल चुके हैं, बाकी कौन से विभाग के हैं? ये वन विभाग के हैं। अच्छा अच्छा, पंचम परिहार नाम है इनका, रेंजर साहब। अच्छा, और 1,76,000 जी ऑफर साहब बोल रहे हैं कि जब बजट आएगा तब मिल जाएगा। तो जब तक आप कहाँ रहेंगे? वही तो कहाँ रहेंगे, अभी घर चले गए थे, फिर एक महीने बाद आए, नहीं आ रहा था, एक दो दिन करके रोज। तो लगभग कितने दिन पुराना पेमेंट है आपका? ये है करीबन दिसंबर और जनवरी में काम किया गया था। अच्छा, तो इतने दिन से अभी तक आपका पेमेंट नहीं हो, कितने, लगभग 6 महीने हो गए ना? हाँ, शिकायत भी की है हमने। हाँ, कलेक्टर साहब से शिकायत करने में, मतलब हिसाब किताब करने के लिए रेडी हो गए थे, बोले थे कि अभी बजट नहीं आया, 1,76,000 बाद में ले लेना, 2,33,000 जो तुम्हारा और बच रहा है वो खाते में डाल दिया हूँ मैं, जिसमें से 5 खातों में अभी आज तक नहीं आया। तो कितने लोगों की लेबर थी आपकी, कितने लेबर में कितने लोग थे आपके? लेबर में 52 लोग थे। 52 लोग? हाँ, 52 लोगों का पेमेंट है ये। हाँ, 52 लोगों में से क्या कहते हैं, 10 लोगों को पेमेंट कर चुके हैं। अच्छा अच्छा, 42 लोगों को पेमेंट बाकी है। हाँ, तो ये कब तक का बोला है इनको? ये अभी एक दिन करके बोल रहे थे, हम कल से रात में फिर आ गए हैं, हम बोले फोन भी से अच्छे से बात नहीं करते थे, काट देते थे जल्दी जल्दी। हाँ, एक दो बात करके बोले कि आ रहा है, कलेक्शन हो रहा है, वो कहीं बैंक वालों ने कहीं धर दिया होगा, ध्यान ना होगा, मैं देखता हूँ, बस देख ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी आप लोग कितने लोग आए हो यहाँ पर पेमेंट के लिए? यहाँ पे सभी लोग आए हैं, मतलब जितने लोग थे 42 लोग, उनमें से अगर कोई नहीं आ पाया तो उनका कोई ना कोई आया, जैसे 4 लोग काम कर रहे हैं तो 2 लोग तो आए ही हैं। अच्छा अच्छा, पुलिस अधीक्षक गुना के निर्देशन पर जिले में स्थायी वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में चांचौड़ा पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली, जिसमें SDOP अलीम खान के नेतृत्व में SI भागीरथ शाके की टीम ने बीनागंज चांचौड़ा रोड से 7 साल से फरार चल रहे मोतीलाल लोधा, श्यामलाल लोधा निवासी ग्राम बमोरी को धर दबोचा। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर चांचौड़ा जेल भेजा गया है। टीम में कमल डामोर, राम निवास शर्मा, जितेंद्र, दीपू बातम, प्रताप आरक्षक शामिल रहे। कितनी 5-1 मिनट की बना दूं? आदत 11 से थी। बीनागंज से हमारे सहयोगी RK शर्मा की रिपोर्ट। नानाखेड़ी में मुनीम के साथ हुई 8 लाख की लूट का मामला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जहां एक और पूर्व थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने 3 लोगों को आरोपी बनाकर उन्हें जेल भिजवा दिया था। वहीं इसमें नया मोड़ तब आया जब शिवपुरी में एक लूट के मामले में पकड़े गए आरोपियों ने मुनीम के साथ हुई लूट की वारदात को भी कबूला था, जिसके बाद आनन फानन में गुना पुलिस में मंदिर में काम कर रहे एक पुजारी को उन आरोपियों की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आज ब्राह्मण समाज का एक तबका दर्जन बन लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। वहीं इन लोगों ने आरोप लगाया कि अरविंद पंडित को पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। इस मामले में निष्पक्ष जाँच की बात भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने की। अब देखना होगा कि पुलिस इस गुत्थी को कैसे सुलझा पाती है, क्या जो आरोपी पूर्व थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने बनाए थे वो सही हैं, या फिर जो शिवपुरी में पकड़े गए थे वो। सूत्रों के मुताबिक जो आरोपी शिवपुरी पुलिस के द्वारा पकड़े गए थे उन पर दबाव बनाए जाने के लिए गुना से एक आरक्षक लगातार शिवपुरी जेल आ रहा है। यदि सूत्रों की माने तो ये आरक्षक उन आरोपियों पर किसी भी तरह के सामान की बरामदगी न हो सके उन पर दबाव बना रहा है। अब तो समय ही बताएगा कि हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिली है वह सही है या गलत। जी अरविंद शर्मा को लूट के मामले में फंसाया गया है, उसके बारे में हम SP साहब से मिलने आए, आवेदन दिया है कि उनको ना जाए, जो फंसाया गया उनके साथ न्याय मिलना चाहिए। कौन से मंदिर का मामला है ये? बांसखेड़ी मंदिर में पूजा करते हैं। अच्छा, आज तक इनके उनके परिवार का कम से कम तक मंडी में 8 लाख जो मंडी में 8 लाख की लूट हुई है उसमें उनको फंसाया गया है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनको निष्पक्ष जांच हो और उनको जो ऊपर कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल गलत है और उनको निर्दोष किया जाए। ठीक। शहर के समाज सेवी ओएन शर्मा ने गिरते जल स्तर को संभालने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। सिकड़ी में समाज सेवी ओएन शर्मा ने आगामी 15 तारीख से वृक्षारोपण का जिम्मा उठाया है।
इसको लेकर जीवन संरक्षण यात्रा का आगाज किया, जिसमें आज एक संगोष्ठी का आयोजन एक निजी होटल में किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि आगामी 15 तारीख से जीवन संरक्षण यात्रा शुरू की जाएगी जो 14 सितंबर तक चलेगी, जिसमें उक्त यात्रा के माध्यम से 500 गांवों में जाकर वृक्षारोपण कर लोगों को संकल्प दिलाया जाएगा। इस यात्रा में 3,00,000 पौधों को लगाया जाएगा। पर्यावरण के लिए है और बल्कि जीवन बचाने के लिए। आज पानी की समस्या आप सब देख रहे हैं, आप सब भाइयों को छुपाने में मीडिया से सब जुड़े हैं। आज चाहे कैप्टाउन साउथ अफ्रीका का देख लें, जहाँ पे पानी के लिए बांटने के लिए सेना लगी हुई है, परिवार को 25 लीटर पानी मिल रहा है। वो स्वयं महान अपने शिमला में अपने भारत में ही हो चुका है। अब देखें उसमें शिमला के अंदर में होटल की ऑनलाइन बुकिंग सब बंद हो गई, पूरे पुलिस प्रशासन पानी बांट रहा है। तो पानी की समस्या सब जगह है। आज फिर बांटने लेवल गाँव में जाके देखते हैं तो हर जगह पानी की समस्या, जो 300 फुट पे पानी था वो आज 700 पे है, जहाँ 700 था आज 1,000 पे नहीं मिल रहा है। पानी के लिए बहुत बड़ी स्थिति है और पूरे आत्म स्वभाव से, चाहे वो विषय माननीय कैलाश सत्यार्थी की है, नागरिक अभिनंदन कर रहा हो, चाहे वो भारत यात्रा कर रहा हो, चाहे वो कथा कर रहा हो, चाहे वो ग्लास। आज जो प्रकृति में जो अवस्था है, जल का लेवल स्तर मतलब बहुत नीचे जाता जा रहा है। गांव-गांव में कहीं भी देखें अपन, हर चीज के लिए पानी की समस्या खड़ी होती जा रही है। हमारे देश के सभी लोग जो जिम्मेदार हैं वो इस बात से चिंतित हैं, वो प्रयास कर रहे हैं आज भी कि किसी तरीके से जल स्तर को सुधारने का क्या काम किया जाए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि अगर पेड़ लगाकर अगर हम बचा लेंगे, पेड़ों के माध्यम से हम वास्तव में जल को वर्षा का लेवल प्लस साथ में जमीन का जल स्तर और साथ में जीव जंतुओं को जीवन जीने के लिए पर्याप्त पानी और नदियों का संरक्षण इसके पेड़ों के माध्यम से हो सकता है। इसी कड़ी में कि हम सबने मिलकर ममोरी विधानसभा के क्षेत्र के ग्रामीणजनों के साथ मिलकर हमने जीवन संरक्षण यात्रा का प्लान चुना था, जो आज सबके साथ हम मीडिया भाइयों के बीच में हमने रखा विषय और आप सबकी मैं भी उसमें सहमति जताई कि इतना अच्छा विषय है। तो मैं समझता हूँ इस अच्छे विषय को हम सब लोग मिलकर गांव-गांव में घर घर तक एक एक व्यक्ति को जगाने का काम करेंगे, एक एक व्यक्ति को संकल्प दिलाने का काम करेंगे, एक एक व्यक्ति को पेड़ बचाने के लिए संकल्पित करेंगे। ऐसा ही इस यात्रा का उद्देश्य है। इसमें हमारा 90 दिन में हम 500 गांव में जाएंगे और हर घर के हर व्यक्ति से संकल्प बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। 42 केंद्रों पर हम इसके वृक्ष का वितरण का काम करेंगे। उस समय वहाँ पर्यावरण विशेषज्ञ महापुरुषों कई बड़ी हस्तियों को बुलाएंगे, जो इसमें मोटिवेशन का काम करेंगे, समाज को जगाने में काम करेंगे। ऐसे लोगों के द्वारा हम समाज का जन जागरण करेंगे और सबको पेड़ बचाने के लिए विनती करेंगे। ऐसा ये जीवन संरक्षण यात्रा का। प्रदर्शन के दौर में आज से मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन भी कूद पड़ी। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल 7वें वेतन मांग की मांग को लेकर है। वहीं इस हड़ताल के बाद किसानों की मुश्किलें और जरूर बढ़ जाएंगी। पहले से ही परेशान किसानों को इस बैंक का सहारा था, अब आगामी समय में किसानों को भोगने की दिक्कत खड़ी हो जाएगी। देखने लायक होगा कि सरकार इस मुश्किल की घड़ी में, जबकि हर विभाग प्रदर्शन कर रहा है, कैसे इन सब में सामंजस्य बिठा पाएगी। बैंक जैसा काम लो तो अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, काम करो। हमारी मांगे हम सब आज हम मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन के तत्वावधान में अपने 7वें वेतन मांग की मांग करने के लिए हमने आज से अनिश्चितकालीन धरना हड़ताल की है, जो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये जारी रहेगा। और हमारी जो मांग है वो 1 जनवरी 2016 से है, जो मध्य प्रदेश शासन ने अपने कर्मचारियों को दिया है वैसा ही हमको मिलना चाहिए। शहर में बेतहाशा घूमती एक कार ने एक बुजुर्ग को किया घायल। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बमुश्किल उस कार को बोहरा चौराहे पर जाकर पकड़ा। बताया जा रहा है कि सचिन हॉस्पिटल के सामने एक ऑटो में इस कार ने टक्कर मारी थी। इससे पहले ये 2-3 अन्य गाड़ियों में भी टक्कर मार के आया था। इसके बाद इसको बोहरा मस्जिद के पास पकड़ लिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये कार अनिल कुमार जैन की है और उस कार को उनका बेटा तेज गति में चला रहा था। लोगों ने उसे पकड़ कर उसके साथ मारपीट भी की। Thank you.
डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।